नमस्कार दोस्तों, आपका मानसी किचन मैजिक में स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, सिंपल और हेल्दी रेसिपी, तोराई की सब्ज़ी, जिसे बनाना बहुत ही सिंपल है। बहुत ही कम मसालों के यूज़ के साथ बहुत ही स्वादिष्ट हमारी सब्ज़ी बनकर तैयार होती है। आप इसे लंच और डिनर में दोनों में बना सकती हैं। तोरी को बहुत अलग अलग तरीके से बनाया जाता है, यहाँ पर मैं बिल्कुल सिंपल रेसिपी आपको बता रही हूँ। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल बटन को प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं बनाने की विधि। यहाँ पर मैंने आधा किलो तोरई ली है, जिसे मैंने बहुत अच्छे से छील कर धोकर साफ़ कर लिया है। आप इसे बहुत ज़्यादा ना छीलें, सिर्फ इसका ऊपर का स्किन उतारें। अब इस तरीके से हम इन्हें काट लेंगे 20 से 4 टुकड़ों में, और छोटे छोटे पीसेस बना लेंगे हम इसके। ये देखिए, बहुत ज़्यादा पकी हुई तोरी आपने नहीं लेनी है। इस तरीके से अब हम सारी तोरी जो है छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर तैयार कर लेंगे। ये देखिए, तोरी को आप छीलने के बाद धो लें, काटने के बाद इसे वॉश ना करें, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पानी भर जाएगा। तो आप इसे छीलने के बाद धोएं और उसके बाद कट करें। अगर आप इसे कट करने के बाद धोएंगे तो ये बहुत ज़्यादा चिपचिपी जैसी हो जाएंगी। अब देखिए, सारी जो तोरी हमारी वो कट कर तैयार हो गई है। अब इसे बनाना शुरू करते हैं हम। चलिए शुरू करते हैं बनाने की विधि। सबसे पहले एक कढ़ाई में हम तेल ऐड करेंगे। तेल आप अपने हिसाब से कोई भी ले सकते हैं, रिफाइंड ऑयल यहाँ या कोई ऑयल। यहाँ पर मैंने सरसों का तेल यूज़ किया है, 2 चम्मच सरसों का तेल। तेल आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसमें 1 चम्मच ज़ीरा ऐड करेंगे। तेल को बहुत ज़्यादा ओवर हीट नहीं करना है, नहीं तो ज़ीरा डालने के साथ ही वो काला पड़ने लगेगा। हम जीरे को अच्छे से भून लेंगे। उसके बाद हम इसमें हरी मिर्चें ऐड करेंगे। हरी मिर्च मैंने यहाँ पर 3 से 4 इस्तेमाल किए। आप चाहें तो इन्हें अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अभी देखिए, कटी हुई हरी मिर्च हम ऐड करेंगे। इसके साथ ही यहाँ पर मैंने 1 कटी हुई प्याज ली है, उसे भी साथ में ऐड करेंगे। बहुत ज़्यादा बड़े हमें प्याज के टुकड़े नहीं रखने, बारीक काट लिया हमने इसे, ऐड करेंगे और बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। हम इसे तब तक चलाएंगे जब तक जब हमारी जो प्याज है वो थोड़ी गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, तब तक हम इसे चलाते रहेंगे। इसके अलावा हमें इसमें बहुत ज़्यादा कोई मसाले यूज़ नहीं करने, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा समर में बनने वाली जो हमारी वेजिटेबल है, जो बहुत ही अच्छी और सिंपल तरीके से बनकर तैयार होती है। इसे बनाने के बहुत सारे मेथड हैं, यहाँ पर बिल्कुल सिंपल मेथड, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ, तो हम इसमें बहुत ज़्यादा मसाले यूज़ नहीं कर रहे हैं। अब हम इसमें 1 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच से भी कम लाल मिर्च ऐड करेंगे, बहुत कम लाल मिर्च, क्योंकि हमने यहाँ पर हरी मिर्च ऐड करी है। लाल मिर्च सिर्फ थोड़े कलर के लिए ऐड किए, आप चाहें तो इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। अब हम इसमें अपनी तोरी ऐड करेंगे और मसालों के साथ बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम इसे ऐसे ही 5 से 7 मिनट के लिए कंटिन्यूसली चलाएंगे और मसालों के साथ बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम जिस तरीके से धीरे धीरे हमारी जो तोरई है वो पकनी शुरू हो जाएगी, इसकी जो वॉल्यूम है वो कम हो जाएगी, क्योंकि इसमें अपना ही जो पानी होता है, जो मॉइस्चर कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसमें एक्स्ट्रा पानी हमें अलग से डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे आप देखेंगे जो इसका वॉल्यूम है वो अपने आप घटना शुरू हो जाएगा। ये देखिए, धीरे धीरे जो सब्ज़ी है वो हमारी कम होनी शुरू हो गई है। अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक आप स्वाद अनुसार डालें। नमक डालने के बाद ये और ज़्यादा कम हो जाएंगी, क्योंकि गल जाएगी और धीरे धीरे इसको जो वॉल्यूम है, इसका साइज़ है, वो और कम हो जाएगा। नमक डालने के बाद हम इसे थोड़ी देर चलाएंगे और उसके बाद इसकी लिड कवर करके 5 से 7 मिनट के लिए पका लेंगे। हम इसका ढक्कन लगा देते हैं और 5 से 7 मिनट के लिए हम इसे अच्छे से पका लेंगे और ये बहुत ही अच्छे तरीके से नरम पड़ जाएगी।
तोरी जो है बहुत ही जल्दी पककर तैयार हो जाती है। अब देखिए 5 से 7 मिनट के बाद हमारी जो तोरी है वो ऑलमोस्ट बनकर तैयार हो गई है बिल्कुल। अब हम इसमें लास्ट इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे, गरम मसाला, जो बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो तोरई है वो बहुत ही सिंपल, बहुत अच्छा टेस्ट देती है, बहुत मसालों के साथ उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है, तो इसलिए आप कोशिश करें कि इसे सिंपल ही बनाएं। अब हमारी जो तोरई है वो बिल्कुल बनकर तैयार हो गई है, नाउ इट्स रेडी टू सर्व। आप अब इसे इंजॉय कर सकते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी हमारी जो तोरी है वो बनकर तैयार हो गई है। बहुत ज़्यादा हमने इसे गलाया नहीं है और बहुत ज़्यादा कच्चा बाइट भी नहीं है। देखिए इसकी शेप भी आपको प्रॉपर दिख रही होगी, जो खाने में बहुत ही अच्छी एक टेक्सचर देती है और बहुत ही अच्छा स्वाद, जो इसका नेचुरल फ्लेवर है वो बहुत डिजॉल्व नहीं होता है, क्योंकि हमने इसमें बहुत ज़्यादा मसालों का यूज़ नहीं किया है। आप इसे घर में एक बार ट्राई ज़रूर करें। और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। आप मेरी बाकी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स से चेक कर सकते हैं। और आपका मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। मैं इसी तरीके से आपके लिए नई नई एक्साइटिंग वीडियोस लेके आती रहूँगी। नमस्कार।